प्रशासन और फैक्ट्रियों से परेशान भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने धरना देकर प्रदर्शन किया। दरअसल एक साल पहले दो टोल कर्मचारियों की मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों को केवल आश्वासन मिला, मुआवजा नहीं। वहीं कई फैक्ट्रियों ने किसानों के गन्ने का भुगतान भी नहीं किया। ऐसे में किसान यूनियन के पास इन मुद्दों को लेकर आंदोलन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ये मामला भगवानपुर का है, जहां एक साल पहले दो टोल कर्मचारियों की मौत हो गई थी। पीड़ित परिजनों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया, जिसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि टोल कर्मचारियों के मुआवजे के सहित किसानों के गन्ने का भुगतान भी फैक्ट्रियों द्वारा नहीं किया गया है। वहां की आवाम के साथ छल और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन क्रांति तैयार है, और जब तक मुआवजा नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने टोल को फ्री कर दिया है। किसान नेता टोल प्लाजा पर ही अपना हुक्का लेकर बैठ गए हैं, और पुलिस भी सुरक्षा की तैयारियों में लग गई है। 15,000 रुपए के बीघा से 15,000 रुपए बीघा के हिसाब से किसान को मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। जब तक ये मांग हमारी नहीं मानी जाती, और जो यहाँ फैसला हुआ था टोल पर हमारे दो किसान पुत्रों को 15-15 लाख रुपए देने का, और आज तक 2 साल से उन्हें 1 रुपया नहीं दिया गया, तो भाई उसे जब तक ये पूरा नहीं होता तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति सड़कों पर रहेगी और यहाँ अनिश्चितकाल के लिए धरने पर रहेगी। सर एक पर आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।